जय हिंद जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेट करने जा रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। इसमें 20 प्रश्न होगा और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको दिखने है कि कितना किनका सही होता है। जिनका जितना सही होगा आप अपने नाम के साथ अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि हमारा कितना सही हुआ है, ये सारा डिटेल्स जरूर भेजिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आपका केमिस्ट्री का क्लास का जो सेकंड चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। सेकंड चैप्टर समाप्त हो चुका है, एक से दो दिन के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा कल जो क्लास होगा वो बायो का क्लास होगा, कल बायो का क्लास होगा जिसमें सेकंड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो याद करके आप लोग क्लास कीजिएगा, कल बायो का क्लास 100% कीजिएगा। नोट्स भी हमने सब सारे वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए आपको बताना है, समय आपका स्टार्ट कर देते हैं कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। आपको बताना है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। चलिए अब आपका समय जो है वो समाप्त हो चुका है, 15 सेकंड का समय था। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी याद रखिएगा इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। इसका मतलब सीधे सीधी बात है वो कैसा होगा जी, तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दो आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है कि किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच कितना होता है। आपका समय स्टार्ट है, 10 सेकंड इसमें समय देंगे आपको। किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच कितना होता है, चलिए आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपको बताना है इनमें से कौन लवण है, आपको बताना है इनमें से कौन लवण है। जल्दी से बताइएगा आप लोग कि आप इसमें से कौन लवण होगा। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी K2SO4 जो है ये एक लवण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। चलिए क्वेश्चन नंबर चार जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि दांत का क्षय कब शुरू होता है। जल्दी से बताइए, 15 सेकंड का समय हम देंगे इसमें। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसका ऑप्शन पढ़ लीजिए कि दांत का क्षय कब शुरू होता है। चलिए आपका समय जो है अब समाप्त हो गया है। राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और आपको मालूम है कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है उस कंडीशन में हमारे दांत का क्षय शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार आपके स्क्रीन पे ये रहा, समय भी स्टार्ट है। आपको बताना है दांत का इनामेल किसका बना होता है। आपको बताना है दांत का इनामेल किसका बना होता है। 15 सेकंड का समय हम आपको दे देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि दांत का इनामेल किसका बना होता है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छः आपको बताना है अपच का उपचार किससे होता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान से समझिएगा, अपच का उपचार किससे होता है। अपच मतलब समझिएगा कि जब आपके पेट में गैस बनता है उस कंडीशन में। चलिए 15 सेकंड का समय है, अपच का उपचार किससे होता है। आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एंटासिड। याद कीजिए हम आपको पढ़ाते समय बताए थे कि जब पेट में गैस बनता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात एंटासिड का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। आपको बताना है हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक होता है। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी याद रखिएगा लिटमस हल्दी ये सब जितने भी सूचक हैं ये सब प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको बताना है कि लिटमस जो होता है रंजक कहाँ से निकाला जाता है। आपको बताइए लिटमस जो होता है रंजक जो होता है कहाँ से निकाला जाता है। 15 सेकंड का समय है, ऑप्शन है गुलाब से, लाइकेन से, मेहंदी के पेड़ से या घास से। आपका समय जो है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लाइकेन से। याद रखिएगा लिटमस जो रंजक होता है वो लाइकेन से हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है। चलिए आपका समय जो है
समाप्त होने वाला है, तो जल्दी से बताइएगा कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है। समय समाप्त हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2ZnO2 हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, समय भी स्टार्ट है। आपको बताना है कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। अगर आपको समीकरण याद होगा जब पढ़ाए थे, आप आसानी से बता सकते हैं कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है। आपका समय समाप्त हो गया, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात CO2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। समय स्टार्ट है, आपको बताना है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। जल्दी से बताइएगा नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। आपका समय समाप्त होने वाला है, चलिए अब समय समाप्त, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी याद रखिएगा मेथेनॉइक जो होता है अम्ल वो पाया जाता है, मेथेनॉइक अम्ल होता है नेटक जो होता है उसके डंक में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है हमारे शरीर में कितने प्रास के बीच पीएच काम करता है। देखिए यहाँ पीएच छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, हमारे शरीर का पीएच मान आपको बताना है कि कितना से कितना के बीच में रहता है, प्रास के बगल में या जोड़ लीजिएगा पीएच, कितने पीएच प्रास काम करता है यानी पीएच वैल्यू कितना होता है हमारे शरीर का, वो आपको बताना है। आपका समय जो है, चलिए आपसे समय दे देते हैं 10 सेकंड का समय, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधारना था कि हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। आपका समय स्टार्ट है, 15 सेकंड का समय है, प्रश्न एक बार और सुनिएगा, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है। चलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे शरीर का पीएच मान की अगर बात करें तो 7 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। जल्दी उसे बताइएगा, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है आपको बताना है। बड़ा आसान प्रश्न है, कई बार हम आपको बता चुके हैं बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। आपका समय स्टार्ट था, खत्म भी हो गया, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी NaHCO3 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आपका समय जो है वो स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा आपको इसमें से कौन विजातीय आपका यौगिक है। आपका समय समाप्त हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात खड़िया। देखिए चूना पत्थर संगमरमर प्लास्टर ऑफ पेरिस सब एक जैसा होता है, जबकि खड़िया इससे अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कौन सबसे प्रबल लवण है। प्रबल लवण का आपको नाम बताना है, इनमें से कौन प्रबल लवण है, जल्दी से बताइएगा। आपका समय स्टार्ट है, सबसे प्रबल लवण जो है वो कौन है आपको बताना है। आपका समय जो है वो समाप्त होने वाला है, चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NaCl जो होता है वो याद रखिएगा सबसे प्रबल लवण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, लेकिन उससे पहले चलिए एक सूचना है जरा देख लेते हैं। हम लोग को सूचना है कर रहा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो आपको तो मालूम है कि 10 प्रश्न के बाद से हम लाइक का ऑप्शन देते हैं, तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 30 नवंबर तक क्लास 10th का साइंस और मैथ पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट के द्वारा एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। अतः आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ने का काम कीजिए। तो ये था अभी का आपका सूचना, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस मैसेज को फैलाइए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जोड़ने का काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं वो कैसा होता है। अम्लीय होता है, लवणयुक्त होता है या क्षारीय होता है या इनमें सभी होता है। आपको बताना है टूथपेस्ट कैसा होता है। चलिए आपका समय जो है स्टार्ट है, बड़ा आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। चलिए आपका समय समाप्त हो गया, हम आपका बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्षारीय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्षारीय होगा। टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपका समय स्टार्ट है, जल्दी से बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 15 सेकंड का समय है, चलिए अब आपका समय समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सात, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, सात होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से बताइएगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। चलिए आपका समय अब समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5.6 से भी ये कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताना इनमें कौन संश्लेषित सूचक है। आपको मालूम है संश्लेषित सूचक जिनको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। चलिए अब जल्दी से आप बता दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन संश्लेषित सूचक है। आपका समय अब समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो होगा मेथिल ऑरेंज, याद रखिएगा मेथिल ऑरेंज होता है संश्लेषित सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, समय स्टार्ट है, आपको बताना है अम्लीय बिलियन का मान कितना होता है, अम्लीय बिलियन का पीएच मान आपको बताना है। आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा अम्लीय बिलियन का पीएच मान यहाँ छूट गया है, पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। आपका समय जो है वह समाप्त हो गया। राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 से कम। तो ये था आज का 20 प्रश्नों का सेशन। अब हम जानेंगे पिछले क्लास में जो हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनका नाम कि कौन कौन टॉप लिस्ट में है। तो आइए देखिए, अंकित कुमार जो हैं इनका 15 सही हुआ था, सूरज कुमार इनका भी 15 सही था, राहुल कुमार 15 सही है, शिल्पी कुमारी हैं इनका 15 सही है, बंदन कुमारी हैं इनका 15 सही है, मुस्कान सिंह इनका 14 सही है और ऋतिक कुमार जो हैं इनका 14 सही है। तो इतने बच्चों ने अपने नाम के साथ कमेंट्स किया था। तो आप भी क्या कीजिए कि जल्दी से आपका जितना प्रश्न सही हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और अपना नाम लिखिए, फिर नाम के आगे लिखिए कि आपका कितना सही हुआ है, ताकि अगले वीडियो में आपका भी नाम आ सके। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।